चौली खुटार युवा टीम द्वारा किसान विरोधी काले कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को पंजाब भर में हजारों गांव, शहरों में गुरुद्वारा साहिब में अरदास कर और मशाल मार्च निकाल श्रद्धांजलि अर्पित की गई और शहीदों की अंतिम शांति के लिए अरदास भी की गई। इसी के चलते सिंगरौली खुटार में भी युवा टीम द्वारा पूरे क्षेत्र में मशाल मार्च निकाला गया। इस मौके पर युवाओं ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिलों के खिलाफ संयुक्त किसान संगठनों द्वारा दिल्ली बॉर्डर पर संघर्ष लगातार जारी है। इस किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को आज पूरे पंजाब में श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार अपने अड़ियल रवैये के चलते इन कृषि बिलों को वापस नहीं ले रही है। केंद्र की सरकार बड़े घराने और अडानी अंबानी को लाभ पहुंचाने के मकसद से देश के किसानों को खत्म करना चाहती है, जो कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैंडल मार्च निकालने का मेन उद्देश्य यह था कि जो किसान लगातार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के बॉर्डर पर इतनी ठंड में भी टिके हुए हैं और जो यह सरकार काले कानून, किसान विरोधी कानून जो लेकर के आई हुई है, उसको लेकर के जो किसान लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, उनमें से कुछ हमारे किसान भाई जो कि शहीद हो चुके और इस तानाशाही सरकार ने उनकी एक न सुनी, इसके लिए जो हमारे साथी शहीद हो चुके हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए आज खुटार युवा टीम ने आज जो शहीद हो चुके किसानों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला हुआ था। संवाददाता उपेंद्र दुबे, वीएसआरएस न्यूज़, सिंगरौली, मध्य प्रदेश।